अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ अरवी का शेरवा। ये अरवी है, अच्छे से धो के कट करना है। एक कोथमीर, चार टमाटर, दो हरी मिर्ची और दो डली प्याज, ये सब अच्छे से वॉश करके कट करने के बाद में फिर बताऊँगी। गोश्त भी डालना है इसमें, गोश्त भी रेडी कर लेंगे। टमाटर अच्छे से धो के कट कर लिया है। कोथमीर है, ये दो तीन डली प्याज को बारीक कट कर लिया। इसमें हम तेल डालेंगे। ये मसाले हैं, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची। नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। टमाटे ऐड कर लिया, इसमें हरी मिर्ची भी डाल लिया है। पूरे मसाले हम टमाटे और प्याज है इसमें डाल देंगे। 1.5 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। इसमें हम अच्छे से मिक्स करके 1 ग्लास पानी डालेंगे। मटन भी डाल देंगे इसमें, गोश्त, थोड़ा सा गोश्त डाल के अच्छे से 4 से 5 सीटी लगा देंगे। इमली भी भिगोने रख दिया था। देख, अरवी को भी अच्छे से छील के कट करके धो के रख लिया है। ये देखिए, टमाटे प्याज सब गल गए हैं अच्छे से। हम इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए अच्छे से भून लिया है मैंने। ये अरवी जो काट कर रखे थे, अरवी डाल लेंगे। अरवी भी ऐड कर लेंगे ये टमाटे प्याज में। अच्छे से उसको 2 मिनट तक पकने रखेंगे। सकने के बाद कोथमीर भी डाल देंगे। देखिए कोथमीर भी काट के धो के रख लिया है। कोथमीर भी डालने के अच्छे से उसको मिला के 1 से 2 बार इमली का खट्टा ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से डाल लीजिए इमली का खट्टा। अच्छे से मिक्स कर लिया, इमली का खट्टा ऐड कर लेंगे इसमें। देखिए इमली अच्छे से इसका खट्टा निकाल के 2 बार डाल दिया था मैंने। अच्छे से पूरा साइडों से पूरा साफ करने के बाद में 1 ग्लास पानी ऐड करके कुकर का ढक्कन लगा दिए। 2-3 सीटी होते कि लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे। एक ग्लास पानी ऐड कर लिया है, कुकर लगा देंगे। 2 सीटी होते कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अच्छे से दम होने छोड़ देंगे। देखिए अच्छे से शेरवा बन गया था। अभी भी अच्छे से गल गई थी, बीच में थोड़ी वीडियो लेने भूल गई थी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।